सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट की थी कि आज मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, और ये वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो सेवा कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, और आज की जवान पीढ़ी के लिए है। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप आज के वचन पे बहुत ध्यान दें और उसके बारे में सोचें कि आज परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम आज की मीटिंग शुरू करें, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उसकी सेवा करें। पर इससे पहले कि आप सेवा करें, परमेश्वर आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बातें समझाना चाहता है। अदरवाइज अगर आप आगे चल के सेवा करेंगे भी तो उसमें परमेश्वर को कभी महिमा नहीं मिल पाएगी। मैं आज आपके सामने एक वचन रख रहा हूं, और अगर आपके पास मेरी तरह बाइबल है तो आप प्लीज इसे ओपन करें। और आज का वचन जो है वो है प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां वचन। कुलपतियों ने यूसुफ से दाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथों बेच डाला, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने मिस्र पर और अपने सारे घराने पर हाकिम नियुक्त किया। आप सभी इस बात को जानते हैं कि पुराने नियम के अंदर एक व्यक्ति था, एक लड़का था जिसका नाम था यूसुफ। बाइबल ऐसा बताती है कि एक टाइम आया वो एक सेकंड वर्ल्ड रूलर बना फैरो के बाद, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसे अपनी मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिली। आप सभी जानते हैं कि जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने उस अकाल के समय में यूसुफ का उपयोग किया, वैसे ही आज हम भी उस यूसुफ के समान हैं जिसे आज परमेश्वर उपयोग करना चाहता है। उन दिनों में एक ऐसा अकाल था जिन दिनों में वहां पर खाना नहीं था, पर आज एक ऐसा अकाल है जहां पर बहुत सारा ज्ञान है पर परमेश्वर की आवाज नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है, एक लड़का था उसका नाम यूसुफ था। एक दिन परमेश्वर ने उसे एक प्रतिज्ञा दी और ये प्रतिज्ञा दर्शन में पहुंची थी, और बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ ने अपने भाइयों और अपने घराने के साथ इस दर्शन को उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसने देखा था कि 11 तारे सूर्य चंद्रमा उसके सामने झुक रहे हैं और उसके ठीक 11 भाई थे। तब उसके भाई इस बात से जलने लगे, उन्हें ऐसा लगा कि यूसुफ ये कहना चाह रहा है कि वो उसके सामने झुकेंगे, और बाइबल बताती है वो उससे डाह करने लग गए, वो उससे जलने लग गए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका उपयोग किया जाए तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं आपके जीवन में जो आपके लिए बुरा भला कहते हैं, जो आपके लिए बहुत कुछ कहते हैं, आपको उन्हें इग्नोर करना सीखना है। शैतान अच्छे से जानता है कि आपको आपके फोकस से कैसे हटाया जाए। जब यूसुफ ने ये दर्शन देखा, बाइबल ऐसा बताती है कि उसके भाइयों ने उससे जलन रखी, उसे मारा पीटा, पर यूसुफ नहीं लड़ा। बाइबल में कहां नहीं लिखा गया है कि यूसुफ ने भी उनको मारा, लेकिन यूसुफ मार खाता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सेवा करना चाहते हैं, यदि आप सेवक हैं, तो आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में लोग मारते थे पत्थरों से, तलवारों से, लेकिन नए नियम में आपको लोग मारेंगे अपने शब्दों से। उन पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 7 सालों से सेवकाई कर रहा हूं, और ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मेरे लिए बहुत नेगेटिव कमेंट्स कहे, किसने क्या कहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तुझे अपने काम पे ध्यान देना है। सबसे पहले अपना फोकस स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद बाइबल बताती है उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। बेचने के बाद जिस व्यक्ति के घर में वो रहता था, उस घर के अंदर एक लेडी ने, एक बहन ने उसके ऊपर एक बुरी नजर डाली, अकेले में रहकर उसे पकड़ा और कहा चल मेरे साथ सो, व्यभिचार कर। पर बाइबल बताती है यूसुफ वहां से भागा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम जवानों की एक कमजोरी है और वो है व्यभिचार।
बहुत सारे लोग आज मन में व्यभिचार कर रहे हैं, कुछ पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, किसके हाथ में मोबाइल है और वो गलत चैट कर रहा है। कोई ऐसा भी है जो मसीह में रहकर भी व्यभिचार में जिंदगी जी रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आपके अभिषेक को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। हो सकता है कि आप सेवा करोगे लेकिन आप अपने सेवकाई के अंदर कभी भी किसी को चेला नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है अभिषेक ही हमें सारी बातों को सिखाता है। लोग आपके पास आएंगे, लोग आपका प्रचार सुनेंगे पर उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा क्योंकि हम एक पाप कर रहे हैं। और यदि आप व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा प्रार्थना से भी महत्वपूर्ण है, आप उन जगहों से भागें। यदि आप किसी के साथ बहुत क्लोज हो रहे हैं, चाहे आप भाई हैं चाहे आप बहन हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आज आपको एक आज्ञा दे रहा है, वहां से भाग। बाइबल बताती है यूसुफ वहां से भागा। हम जवानों को ये बात समझनी है कि जब हमें लोग बुरा भला कहें तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हम जवानों को ये बात समझनी है कि हमें व्यभिचार से दूर रहना है ताकि हम हर गुनाह से बचकर प्रभु की सेवा कर पाएं। और उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है उस पे एक एलिगेशन लग गए और वो लड़का यूसुफ जेल में चला गया। मैं बिलीव करता हूँ पूरे दिल से कि वहां पर उसने अपना बहुत समय खुदा को दिया। और एक दिन ऐसा आया जब बाइबल बताती है यूसुफ जेल से बाहर निकला और उसने उन दिनों के राजा से मुलाकात की। उस राजा ने उसे अपना दर्शन बताया क्योंकि राजा ने ही उसे बाहर निकाला था। और यूसुफ ने उसको उसका दर्शन एक्सप्लेन किया क्योंकि वो एक स्वप्नदर्शी था। और राजा उस पर इतना इंप्रेस हुआ उसकी बुद्धि और उसके ऊपर जो अनुग्रह था उसे देखकर, राजा ने उसे एक ऐसा स्थान दिया कि वो उसके दाहिनी ओर बैठेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इन सारे सालों में, इन सारे इयर्स में यूसुफ सिर्फ एक ही चीज करता रहा, वो विश्वास योग्य रहा। यूसुफ ने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना उसने अपने भाइयों से लड़ाई की और ना उसने व्यभिचार किया। इवन जब वो राजा बना उसके भाई उससे मिलने आए, यूसुफ ने तभी भी उनसे बदला नहीं लिया। यूसुफ ने हर चीज में परमेश्वर को देखा। उसने अपने भाइयों से भी ये कहा कि तुमने तो मुझसे बुराई की परंतु परमेश्वर ने इसी बुराई में से मेरे लिए भलाई निकाली। मेरे भाइयों और बहनों, एक सेवक के अंदर सबसे अच्छी चीज जो देखी जाती है वो है विश्वास योग्यता। और याद रखें परमेश्वर अगर आपको परखेगा तो वो आपके विचारों के जीवन में आपको परखेगा। जब लोग आपको बुरा भला कहेंगे तो वो आपको देखेगा कि आप उनके लिए क्या सोचते हैं। अगर कोई स्त्री आपके सामने से जा रही है जिसने गलत कपड़े पहने हैं, या मेरी बहनों कोई आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है, तो खुदा आपके मन को देखेगा कि आप किस तरफ ड्राइव हो रहे हो। परमेश्वर एक व्यक्ति को सेवा देने से पहले उसे परखते हैं, उसके बाद उसको काम सौंपते हैं। इसलिए बाइबल बताती है सेवक परखा जाए। यदि आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके ऊपर रहकर अपना कार्य करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपसे एक ही उम्मीद करता है, विश्वास योग्य बने रहे। और वो विश्वास योग्यता एक ही जगह चाहता है, विचारों में, क्योंकि प्रभु जानता है पाप मन से शुरू होता है और बाहर खत्म होता है। इसीलिए वचन कहता है कि कुल्हाड़ा अब जड़ पे रखा गया है, फलों पर नहीं। फल बाहर होते हैं, जड़ अंदर होती है। खुदा उस जड़ को काटना चाहता है। अगर आप जवान हैं और अगर आप आज की डेट में ये जानना चाहते हैं कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है, तो आपको एक ही बात कह रहा है, बी फेथफुल, विश्वास योग्य बने रहे। जब दाऊद को एलियाब के उसके भाई एलियाब ने कहा कि तू यहाँ पर क्यों आया है भेड़ बकरियों को छोड़ के, दाऊद लिखा है वहां से फिर गया। और आप जानते हैं एलियाब से मिलने के बाद दाऊद एक और बैकस्लाइडर से मिला जिसका नाम था शाऊल। उसने भी उसे कहा तू क्यों लड़ने के लिए आया है, तू नहीं लड़ सकता। दाऊद ने वहां से भी मन फिराया। दाऊद जानता था लड़ाई गोलियत से है, शाऊल और एलियाब से नहीं। जस्ट कीप कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, पर प्रभु के साथ जियो, दुआओं में रहो, उपवास करो। मैं आपको बताना चाहता हूं आने वाले समय में परमेश्वर आपका उपयोग करेगा, प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। आपके बोलने से लोग चंगे होंगे क्योंकि बाइबल बताती है धर्मी के बोलने से लोग चंगे होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज इस संदेश को आप सीरियसली लीजिए। और अगर आप जवान हैं तो इस चीज को, विश्वास योग्यता को अपनी नींव बनाइए।
प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।